दोस्तों, अयोध्या में श्री राम मंदिर को बनाने का काम अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है और बहुत तेजी से मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये मंदिर इतना मजबूत होगा कि हजार साल तक इस पर कोई आंच नहीं आएगी, उसके बाद भी ये हजारों सालों तक टूटेगा नहीं। इतना ही नहीं, मंदिर के अलावा अगर हम भगवान की मूर्ति की बात करें तो उसमें खास शालिग्राम पत्थर का इस्तेमाल किया गया है जिसे डायरेक्ट नेपाल से लाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर शालिग्राम पत्थर को ही भगवान की मूर्ति बनाने के लिए क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अयोध्या का ये राम मंदिर अब तक का सबसे मजबूत मंदिर होगा। चलिए जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अयोध्या के श्रीराम मंदिर का लगभग 50% काम खत्म हो चुका है। बताया जा रहा है कि ये मंदिर इतना मजबूत होगा कि हजार साल तक इस पर कोई आंच भी नहीं आ सकती है और हजारों सालों तक ये इसी तरह खड़ा रहेगा। दरअसल इस मंदिर में जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो अर्थक्वेक प्रूफ है, जिन्हें कर्नाटका से लाया गया है और इन पत्थरों के बारे में खुद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बताया है। ये ग्रेनाइट की चट्टानें हैं जो लगभग 2500 मिलियन साल पहले बनी थी। जहाँ ये पत्थर भूकंप प्रतिरोधी हैं, यानी कि कितना भी भारी भूकंप क्यों ना आए, ये पत्थर अपनी जगह से टस से मस नहीं होंगे। इन चट्टानों का परीक्षण 1500 डिग्री सेल्सियस पर किया जा चुका है और फिर इन्हें ठंड वातावरण में रखा गया था और 1992 से इन पत्थरों के ऊपर काम किया जा रहा है। दोस्तों, मंदिर किन पत्थरों से बन रहा है ये तो आप समझ गए होंगे, लेकिन अब बारी आती है यहाँ की मूर्तियाँ बनाने की, जो कोई ऐसी वैसी मूर्ति नहीं होंगी बल्कि बहुत ही खास मूर्तियाँ होंगी। जाहिर सी बात है कि जिस अयोध्या राम मंदिर को लेकर सालों से विवाद चल रहा था, जिसके पीछे हजारों लोगों की जान चली गई, वो अयोध्या मंदिर काफी ज्यादा भव्य और आकर्षक होगा, जिसके न केवल मंदिर में भारतीय कलाकृति देखने को मिलेगी बल्कि राम मंदिर के अंदर मौजूद मूर्तियों की भव्यता भी सामने आएगी। उसी भव्यता को बनाए रखने के लिए राम मंदिर की मूर्तियों को शालिग्राम पत्थर से तैयार किया जा रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वही शालिग्राम पत्थर जो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ नेपाल में ही मिलता है। प्रभु श्री राम और माता सीता की मूर्तियों को बनाने के लिए नेपाल के शालिग्राम पत्थर को चुना गया है। अयोध्या में भेजने से पहले इन शालिग्राम पत्थरों की नेपाल के जनकपुरी में पूजा अर्चना करी गई, क्योंकि इन पत्थरों का इस्तेमाल भगवान श्री राम और माता सीता की मूर्ति बनाने के लिए किया जाना था। ऐसे में पूजा करने के बाद ही इन पत्थरों को अयोध्या भेजा गया। इन पत्थरों को भारत लाने की सारी ऑफिशियल चीजें हो चुकी है, यहाँ तक की नेपाल सरकार की परमिशन भी ली गई। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है कि तब तक नेपाल से ये पत्थर अयोध्या तक पहुंच चुके होंगे या फिर उनसे मूर्तियां बनाने का काम भी शुरू हो चुका होगा। पर हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि दुनिया के सारे पत्थरों को छोड़कर नेपाल में मौजूद शालिग्राम पत्थर को ही क्यों चुना गया और क्यों सिर्फ अयोध्या का राम मंदिर ही नहीं बल्कि भारत के सारे प्राचीन मंदिरों में हजारों सालों पहले मूर्तियां बनाने के लिए इन शालिग्राम पत्थर का इस्तेमाल ही किया गया था। दोस्तों, प्रभु श्री राम और माता सीता की मूर्तियों के लिए पत्थर का चयन करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इस काम में करीब 1 महीने का वक्त लगा और इस पूरे समय में भारत के और आसपास के देशों के कई सारे पत्थरों का अभ्यास किया गया, तब जाकर सिर्फ नेपाल में मौजूद 6 करोड़ साल पुराने शालिग्राम पत्थर को इस पवित्र काम के लिए चुना गया। शालिग्राम पत्थर केवल नेपाल की गंडक नदी में ही मिलता है और इस नदी से इन दो विशाल पत्थरों का चुनाव काफी ध्यान से किया गया। इनमें से एक पत्थर का वजन 26 टन तो दूसरे का 14 टन है। वैसे तो शालिग्राम पत्थर कई जगहों पर पाए जाते हैं, लेकिन नेपाल की इस गंडक नदी में मिलने वाला शालिग्राम पत्थर बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि इसके ऊपर सुदर्शन चक्र और गदा जैसे चिन्ह दिखाई देते हैं। भले ही इन सिंबल्स के पीछे का कारण कुछ और हो, लेकिन इन सिंबल्स का हिंदू धर्म में खास महत्व है, इसी वजह से इन पत्थरों को बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। असल में शालिग्राम पत्थर में जो आप सुदर्शन चक्र जैसा चिन्ह देख रहे हैं वो एमोनाइट नाम के समुद्री जीव के जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स की वजह से है। एमोनाइट ऐसे वैसे जीव नहीं है बल्कि ये डायनासोर के समय में समुद्र में रहा करते थे, जिनकी करीब 10,000 अलग अलग प्रकार की प्रजातियां मौजूद थी। लेकिन आज से करीब 140 मिलियन साल पहले क्रिटेशियस पीरियड के आखिर में ये जीव पृथ्वी से विलुप्त होने लगा, लगभग उसी समय जिस समय डायनासोर विलुप्त हो रहे थे। दोस्तों, जब कोई भी जीव मरता है तो उसका शरीर डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे उसके शरीर का नरम हिस्सा गलने लगता है और केवल हड्डियां बच जाती है, और जब इस हड्डी के ढांचे पर मिट्टी, धूल और बाकी के मटेरियल की परत चढ़ जाती है तो हजारों साल के प्रोसेस में हड्डियों का ढांचा जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स में बदल जाता है। और कुछ ऐसे ही फॉसिल्स इन पत्थरों पर भी दिखाई देते हैं। जब आप शालिग्राम पत्थरों को बीच से तोड़ेंगे तो ये कुछ इस तरह की खास बनावट में दिखाई देते हैं। हमारे हिंदू धर्म में भी शालिग्राम पत्थर की बहुत खास मान्यता है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को साइड कर दिया जाए तो कहा जाता है कि काफी समय पहले जलंधर नाम का असुर हुआ करता था
जिसकी पत्नी का नाम वृंदावती था। वृंदावती एक सती औरत थी जो अपने पति की सेवा करती थी, लेकिन वृंदा के सती को भंग करे बिना जलांधर नामक असुर को मारना असंभव था। फिर विष्णु भगवान ने जलांधर का रूप लेकर वृंदा की पवित्रता को भंग कर दिया, जिससे वृंदावती काफी क्रोधित हो गई और उसने उसी वक्त भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, जिसके बाद भगवान विष्णु ने कहा कि मैं शालिग्राम रूप में गंडक नदी में निवास करूंगा। तभी से यह पत्थर नेपाल की गंडक नदी में पाए जाते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो या फिर धार्मिक, लेकिन इस शालिग्राम पत्थर की खासियत यह है कि यह न केवल 6 करोड़ साल पुराना है, बल्कि अगले 1 करोड़ साल तक उतना ही मजबूत रहेगा जितना यह आज है। मतलब इस पत्थर से बनने वाली प्रतिमाएं लाखों सालों तक सुरक्षित रहेंगी, और यह पत्थर काफी ज्यादा हार्ड होने की वजह से इन पर बारीकी से कार्विंग करना भी आसान होता है, यानी कि पत्थरों को मूर्ति के रूप देने में कोई तकलीफ नहीं होती है, और पत्थर बहुत ही आसानी से मूर्तियों में ढलते चले जाते हैं जो एक खूबसूरत मूर्ति का निर्माण करते हैं। यही वजह है कि भारत में कई सारे प्राचीन मंदिरों में भी इन पत्थरों का इस्तेमाल करके मूर्तियां बनाई जा चुकी हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, शास्त्रों के मुताबिक शालिग्राम में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। हिंदू धर्म में हर एक चीज में ईश्वर खोजे जाते हैं, और इसलिए हिंदू धर्म में कई सारे प्राणियों को, जीवों को, यहाँ तक कि पत्थरों को भगवान का दर्जा दिया गया है। यही वजह है कि इस खास पत्थर को राम मंदिर की मूर्तियां बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और जब इस पत्थर से मूर्ति बनकर तैयार होगी तो वाकई में वह एक अद्भुत नजारा दिखाएगी। दोस्तों, हम तो राम मंदिर और उसमें स्थापित होने वाली भगवान श्री राम और माता सीता की मूर्ति को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि यह कोई ऐसा वैसा मंदिर नहीं होगा, बल्कि इस मंदिर को बनाने के लिए कई लोगों ने अपना खून पसीना सब कुछ बहा दिया। बाकी आप भी हमारी तरह राम मंदिर को लेकर एक्साइटेड हैं, या फिर आप ये सोचते हैं कि भगवान तो दिल में होते हैं, मंदिर तो केवल दिखावे की जगह है, तो अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं, और इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।